इन चार मिसरों के साथ आवाज देता हूँ दादा को कि मैंने एक कमल मुस्काते अपनी आंखों से देखा है, मैंने एक कमल मुस्काते अपनी आंखों से देखा है, मैंने ताजमहल इठलाते अपनी आंखों से देखा है। पूछ रहे हैं मुझसे गजलों की जो परिभाषा क्या जाने, मैंने एक गजल को गाते अपनी आंखों से देखा है। चार मिसरे हाजिर करता हूँ, सुनिएगा। चरण माँ बाप के धोकर खुशी से झूम लेता हूँ, हमेशा साथ रहे कर धाम चारों घूम लेता हूँ। मुझे मंदिर में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। मैं अपनी माँ के चरणों को अदब से चूम लेता हूँ। मैं सांस्कृतिक पंक्तियां दूंगा, सुनिएगा चार पंक्तियां और। कि कभी सम्मान की पगड़ी उछाली ही नहीं जाती, कि मर के भी चुबा माँ बाप की टाली नहीं जाती। कभी भी भूल कर माँ बाप के दिल को दुखाना मत, दुआया बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती, दुआया बद दुआ माँ बाप की खाली नहीं जाती। और चार पंक्तियां और, उसके बाद एक छोटी सी गजल पढ़ूंगा कि बेटियों को समर्पित। अब जितने लोग बैठे हैं ये वो लोग हैं जो साहित्य का आस्वादन करना जानते हैं। कि जन्मे ज्ञान का मोती ये ऐसा सीप होती है, खड़ी जो प्यार की गंगा के बीचो बीच होती है। कसम ले लो बचाने और बेटी के पढ़ाने का, बेटियां एक नहीं दो दो घरों का दीप होती, बेटियां एक नहीं दो दो घरों का दीप होती है। पांच मिनट की एक गजल, छोटी सी गजल, जवानों के लिए भी है और उन भूतपूर्व नौजवानों के लिए है जिन्होंने जिंदगी को जिया है। डॉक्टर साहब सुनिएगा, सर सुनिएगा, हमारे बीच नयाल जी पांडे जी सब उपस्थित है, ये वो नौजवान साथी हैं जो जीते हैं गजल को, जिंदगी को जीते हैं। आज के युग में ऐसे जीना, हंस हंस के मुस्कुराकर जीना, गमों में मुस्कुराकर जीना बड़ी बात होती है। आइए गजल का मतलब। रात गुजर जाती है जंगल, डॉक्टर साहब, रात गुजर जाती है जग कर इस दिल को समझाने में, रात गुजर जाती है जग कर इस दिल को समझाने में, आकर कोई तो ले जाए इसको पागल खाने में, तो ले जाए इसको पागल खाने में। मैं देख रहा हूँ दिल आपका ज्यादा धड़क तो नहीं रहा। अपने अपने सपने में है, आप सुनाते रहिए। देखिए शेर देखिएगा। कोई सबब तो होता ही है आंसू गम बेचैनी का, कुछ तो कारण होता है,
बच्चों का ख्याल रखिएगा, अगर ऐसा होता है तो समझिएगा बात क्या है कि कोई सबब तो होता ही है आंसू हम बेचैनी का, किंतु बहुत मुश्किल होता है, किंतु बहुत मुश्किल होता है दिल की बात बताने में, किंतु बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि नहीं कह सकती। देखिएगा वो नौजवान साथी जिन्होंने अपना वक्त गुजार दिया है जवानी का और जो जवानी के रास्ते पर है, शेर सुनेगा, हाजिर करता हूँ शेर सुनेगा, बहुत छोटी सी गजल है लेकिन काम की है कि प्यार मोहब्बत का ये है कच्चा रास्ता बेहद नाजुक है। डॉक्टर साहब इतना खोने की जरूरत नहीं, ये तो बस शायर है, हम लोग शायरी कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत का ये है कच्चा रास्ता बेहद नाजुक है, जान तलक भी जा सकती है सच्चा प्यार निभाने में, जान तलक जा सकती है सच्चा प्यार निभाने में। और शेर देखेगा बड़ा ही उम्दा शेर हुआ है और बड़ी नई गजल है, देखेगा इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, यार खता भी हो सकती है, यार खता भी हो सकती है जाने या अनजाने। यार खता भी हो सकती है। गजल को जीने की कोशिश करेगा, गजल वो चीज नहीं है, आसान नहीं है लिखना और पढ़ना भी और उसको सुनना भी आसान है, कलेजा चीज है। इश्क किसी से कर लो लेकिन इतनी गुंजाइश रखना, यार खता भी हो सकती है जाने या अनजाने में। और शेर एक शेर और सुनेगा, गम तड़पन गम तड़पन आंसू बेचैनी जोर घुटन बेदागी, गम तड़पन आंसू बेचैनी जोर घुटन ओ बेताबी, और बहुत कुछ ऐसी दौलत और बहुत कुछ ऐसी दौलत है दिल के तहखाने में। एक शेर और सुन लीजिए उसके बाद उठेगा कि सकरा रस्ता लंबी दूरी ऊपर से ये तन्हाई, सकरा रस्ता लंबी दूरी ऊपर से ये तन्हाई, सांस उखड़ जा या करती है, सांस उखड़ जा या करती है
दिल तक आने जाने या अगर आपने प्यार किया होगा ना तो आप तालियां बजाए ना बजाए आपको कलेजा फट रहा होगा। एक शेर सुनने का नाजुक शेर है, हर नूरी शे नूरी चमकदार चीज, जिसे सुना नहीं हो सकता। जितनी सुंदरता आप देखते हो ना, कभी ऐसा मन चक्र अपना भी छू लिया और बस ऐसा होता है कि हर नूरी शे हासिल कर लेने की अजहद ख्वाहिश में, अजहद अकदी ख्वाहिश, हर नूरी से हासिल कर लेने की अजहद ख्वाहिश में, जो भी लेते हैं अंगारे, जो भी लेते हैं अंगारे, हम अक्सर बचकाने गम ख्वारो आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें। दिलीप जी हमारे साथ, अरे हमारे नौजवान साथी बैठे हैं, दिलीप जी समर्पित करता हूँ शेर आपको कि गम ख्वारो आओ मिलकर हम भी दिल के कुछ शेर कहें। नाचा जी कि गम कुछ हल्का हो जाता है, गम कुछ हल्का हो जाता है सुनने और सुनाने। दिल के गहराई से हर धड़कनों से बहुत सारा शुक्रिया आशीर्वाद, और उन सबका आशीर्वाद बच्चों का जो सुन रहे थे और जो उनसे बड़े हैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ जिन्होंने इस इज्जत से सुना, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।